स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का BA जो है, BA फोर सेमेस्टर होम साइंस है, यानी सेकंड ईयर फोर सेमेस्टर होम साइंस है, जो कि फर्स्ट पेपर आपका है हाउसिंग, यानी हाउसिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है, आवास जो है ये आपको पढ़ना है। और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट चैप्टर अभी से ये आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस में आप लोगों का शुरू करने जा रही हूँ। तो जो भी फोर सेमेस्टर में इस समय बीए फोर सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको यहाँ पे सारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर में होम साइंस पेपर है। ओके, तो ये इसका पूरा सिलेबस आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम लोग अपने जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो है आपका क्या, तो आवास है, यानी आवास क्या, तो आप बताएंगे आवास का अर्थ, मीनिंग ऑफ हाउसिंग का जो है यहाँ पे अर्थ देखना है। तो देखिए, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में से एक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि आवश्यक आवश्यकता क्या होती है, तो रोटी कपड़ा और मकान ही आता है। तो हमारी मूलभूत आवश्यकता जो है, सबसे पहले वो हमारा क्या हो जाता है, आवास, यानी कि मकान हो जाता है, घर होता हो जाता है। ओके, जीवन के जीवन रक्षा के उपाय ढूंढते ढूंढते मनुष्य ने संरक्षण के विकास में जो राह पकड़ी है, यानी कि ये आपने जो राह पकड़ी लगातार उन्नतर होती गई, यानी उन्होंने जो भी एक रहने के लिए जो भी उपाय किया, आप लोगों को पता है सबसे पहले इंसान कहाँ, मनुष्य कहाँ रहना सीखा, जो आदमानव लोग थे ये लोग पहले जो पेड़ के जो गुफाएं हुआ करती थी, जो खोड़हर हुआ करता था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो पेड़ के खोड़हर हुआ करते थे, पहाड़ के कंदराएँ हुआ करती थी, झोपड़ी होती थी, कच्चे मकान होते थे, फिर पक्के मकान। सबसे पहले उन लोग कैसे, जो पेड़ के खोड़हर वगैरह हुआ करते थे, जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ के कंदरे वगैरह होते थे, लोग वहाँ पे रहना सीखे। किस लिए रहने की इच्छा हुई उनको, सबसे पहले तो उनको सुरक्षा के रूप में उन्हें एक आवास की आवश्यकता महसूस हुई। जो आदमानव थे हमारे, उन्हें अपने शरीर के लिए सुरक्षा, एक यानी कि वो सुरक्षा सभी प्रकार की हो गई, वो जंगली जंतु हो गया, बरसात हो गई, गर्मी हो गई, धूप हो गया, आंधी तूफान हो गया, तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं थी, जानवर थे, इन सबसे बचने के लिए, सुरक्षा करने के लिए इन लोग को एक मकान की आवश्यकता पड़ी। तो मकान में ये लोग पहले कैसे रहना शुरू किए, पहले जो पेड़ के खोड़हर होते थे उसमें रहते थे, फिर जो जो पहाड़ों की कंदराएँ हुआ करती थी फिर उसमें, फिर धीरे धीरे लोग झोपड़ी बनाने लगे, फिर आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के घर बने होते थे। आप लोगों से मैंने शायद एक बार पूछा भी था कि हर गांव के बगल में एक तालाब क्यों होता है, तो जब एक वहाँ पे समूह, जब बचना, जब ये लोग समूह में रहना सीखे, जब घर बनाना सीख लिए, तो इन लोगों ने जहाँ पे रहना सीखा वहीं के बगल से मिट्टी निकाल कर ये लोग कच्चे घर बनाने लगे। इसलिए जो हर एक गांव के बगल में एक तालाब होता है, वो तालाब उस गाँव को बसने में जो घर बने थे मिट्टी लेकर, उस वजह से वो तालाब होता है, वो उसका एक रीजन होता है। ओके, तो ये पहले कच्चे मकान बने, फिर पक्के मकान बने लगे, तो इस तरह से इन लोगों की क्या हुई, रुचि बढ़ती गई और खोज बढ़ती गई, कभी रुकी नहीं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है, गगन चूमने चूमती इमारतें भी प्रतिदिन अपने स्थिति में आत्मित परिवर्तन की इच्छुक हो गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज बड़े बड़े सिटियों में कैसे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती हैं, ठीक है, सऊदी अरब वगैरह देखिए, तो वही बात ये कह रहा है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने इन्हीं आवास व्यवस्था को जुटाने हेतु कितना शारीरिक और मानसिक आर्थिक श्रम किया, ये बात बिल्कुल सही है। आज के स्थिति में भी घर बनवाना एक सबसे बड़ी पहलू की बात होती है। अभी हम लोग अगर बात कर लें प्रेजेंट टाइम में अपनी अयोध्या सिटी की बात कर लेते हैं, तो इस समय आप लोग देख रहे हैं कितने घर टूटे जा रहे हैं, चाहे वो वन फ्लोर का हो, टू फ्लोर, थ्री फ्लोर, कितना भी हो, कितने घर टूट रहे हैं। तो वो उन घरों को बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, लेकिन क्या है, सरकार तोड़ रही है, ठीक। तो ये सब एक बात होती है। आवास प्रत्येक मनुष्य की क्या होती है, तो प्रत्येक मनुष्य की क्या होती है, ये आवश्यकता होती है, मौलिक आवश्यकता होती है, यानी प्राथमिक आवश्यकता होती है, अनिवार्य आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपके आवास का मीनिंग था, अर्थ था कि घर क्या होता है। अगर इसके मेन अर्थ को देखा जाए, अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, ईस्ट और बेस्ट होम इज बेस्ट। ओके, क्या ईस्ट और बेस्ट
होम इज बेस्ट, ये कहावत बहुत पुरानी है। पूर्व हो या पश्चिम हो, घर ही सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। लोग कहते हैं ना कि दिन भर चाहे जहाँ घूम लो, चाहे जहाँ रह लो, लेकिन असली सुकून जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो अपने घर में ही मिलता है, आके अपने घर में मिलता है। आप रिश्तेदार में चले जाइए, आप पिकनिक पे जाइए, टूर करके आइए, लेकिन जब आप घर पहुँचते हो तो जो रिलैक्स और जो फीलिंग होती है घर में आके, वो कहीं नहीं मिलती है। तो सबसे अच्छा क्या होता है? अपना घर होता है, अपना होम होता है। ओके, दूसरा डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, आस्क फोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो आपका यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है वो है, एक संरचना जिसमें रहा जाए, एक ऐसी संरचना जिसमें रहा जाए उसे ही हाउस कहा जाता है या घर कहा जाता है। दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे आप लोगों का जो है वो है R.S. देश पांडे के अनुसार, इन्होंने कहा है कि आवास मनुष्य समूह के लिए एक शरण स्थल होता है। बिल्कुल शरण स्थल होता है, वहाँ व्यक्ति रहता है जिसमें चार दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ एवं छत होती हैं, वही एक घर होता है और उसमें आकर वो रहता है, शरण लेता है। वहाँ पे सबसे अच्छा उसे सुकून मिलती है, संतुष्टि की बात कर लिया जाए या मन मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पे लगता है। सबको अपना घर अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे घर की आवश्यकता, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है घर की आवश्यकता क्यों होती है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज ही नहीं ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखिए, आवास की आवश्यकता निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले क्यों होती है? तो स्थिति के लिए जो है स्थापित जो होता है, एक व्यक्ति का स्थापित कहाँ पे है, मानव का स्वभाव ही स्थापित होता है कि वो एक जगह स्थापना कर ले, ठीक कल्पना करता है, जिसके कारण मनुष्य घर बनाने के लिए प्रेरित हुआ है। यही भाव व्यक्ति की भटकने को समाप्त कर उसे संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार से आवास मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व प्रदान करना मतलब कोई एक व्यक्ति, जैसे जब मनुष्य जब आदमानव थे तो आप लोगों को पता है जब उनके पास घर नहीं होता था, घुमक्कड़ जीवन जीते थे। कैसा? घुमक्कड़ जीवन जीते थे, जहाँ पे उनको भोजन मिलता था बस वहीं घूमते रहते थे, खाते रहते थे। ये सब सबसे पहले ये स्थापित कैसे हुए, इनका स्थापित कैसा हुआ, जब ये एक जगह मकान बना लिए, घर बना लिए, तब जाके वो स्थापित हो गए वहाँ पे, या इनका ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य की सबसे बड़ी, अगर उसे स्थितिक तो प्रदान करना है तो वो क्या है, एक घर होता है। वो कहीं भी भटकता है लेकिन घर बनाने के बाद वो एक स्थायित्व हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, एक स्थायित्व हो जाता है। ओके, सेकंड मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि घर की आवश्यकता व्यक्ति को कब हुई, क्यों हुई, तो वो सेफ्टी के लिए होती है। सेफ्टी वो आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आवास मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे तेज धूप हो गई, सर्दी, वर्षा हो गया, आवास सुरक्षा ही देती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ओला बिजली हो गई, धूप हो गई, ठीक लू हो गई, सर्दी गर्मी, आवास सुरक्षा प्रदान करता है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी, जंगली जानवर अन्य जानवर से भी सुरक्षा प्रदान करता है हमारा घर। हम घर में ही आके सबसे सुरक्षा महसूस करते हैं, और घर ही चोर डकैत हो गए, आपका लुटेरे हो गए, ये सब आपको क्या करता है, आपका परिवार आवास ही सुरक्षा प्रदान करता है। आवास व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और भावात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ महाराष्ट्र में, तो अभी हमारा किराए का घर है, लेकिन अभी हम लोगों को उतना सुकून नहीं है, लेकिन जिस समय हम अपना घर बना लेंगे और जब हम यूपी आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, वो जो अपना एक संतुष्टि मिलती है, वो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। तो घर एक अलग चीज़ होता है, आप घर शब्द ही बोलिए कितना सुकून मिलता है। ओके, चलिए, तो ये सुरक्षा प्रदान। अब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के लिए क्यों आवश्यक है, तो देखिए आवास विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित स्थान प्रदान कर किसी परिवार की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। जीवन रक्षा के लिए, भोजन तैयार करने की आवश्यकता का कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, ठीक है, विश्राम करना हो गया, श्रम आवश्यकता हो गया, मानव को समाज में बनाए रखने के लिए या संतानोत्पत्ति करने के लिए, इन सभी के लिए जो एक आवश्यकता होती है वो जो पूरा करता है वो आपका आवास ही करता है, यानी एक घर ही करता है, ठीक है। चाहे आपको कोई कार्य करना हो, आपको खाना खाना हो, आपको विश्राम करना हो, मानसिक संतुष्टि चाहिए, आराम करना हो या संतान उत्पत्ति करना हो, तो ये सब आपको कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास क्या होगा, तो जब आपके पास एक आवास होगा, एक घर होगा, एक हाउस होगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है वातावरण प्रदान करना। देखिए अब वातावरण एक जो है एनवायरमेंटल अगर किसी व्यक्ति को प्रदान कर रहा है, किसी को आप हमने कहा कि आप घर आ जाइए आपको सारे सुकून मिल जाएंगे, आप घर के बाहर रहोगे कितना इरिटेट होता रहता है हर कुछ से, तो आवाज़ जो होता है व्यक्ति को पारस्परिक संबंध हो गया, प्रेम स्नेह हो गया, सहानुभूति हो गया। देखिए सब लोग अलग अलग रहेंगे तो किसी के अंदर किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होगी, लगाव नहीं होगा, लेकिन जब एक व्यक्ति एक परिवार एक साथ रहता है तो सबके प्रति उसका अपना जो लगाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, सहानुभूति होता है, सहयोग की भावना होती है, ये सारे गुण के लिए जो एक वातावरण तैयार होता है वो कहाँ होता है, तो वो सब आपका घर में ही होता है। ठीक है, जो मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है। घर का वातावरण बच्चों को निर्भय तथा सहज बनाता है। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना ही इसी आवास का देन होता है। जो व्यक्ति एक अनुशासित होता है उसका व्यक्तित्व एक अच्छा गुण होता है। ये सब किसका देन है? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कि आपका हाउस का होता है, आपके होम का होता है, आपके घर का होता है, आपके आवास का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपकी संग्रह। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की संग्रह करता है तो उसके लिए सबसे पहले घर की, क्योंकि आप कोई चीज़ संग्रह करेंगे अपने, जैसे व्यक्ति को सदैव जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख सुविधा की आवश्यकता होती है, फर्नीचर हो गया, खाने की वस्तुएं हो गई, भोजन से संबंधित हो गया, या आपका वस्त्र, फ्रिज, मिक्सर, टेलीफोन, कूलर, इन सब को रखने के लिए आपको एक घर की आवश्यकता होती है। जो इन आवश्यकताओं को पूरा करता है आपका घर होता है, इसलिए घर की आवश्यकता बहुत अनिवार्य होती है। अभिव्यक्ति हो गया आवास निर्माण का। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवास निर्माण एवं आवास सज्जा व निवास करने वाले मनुष्य के विचारों एवं मनोभावों को बाहर लाने का अवसर प्रदान करता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, किसी व्यक्ति का आवास हमें उसके व्यक्तित्व की झलक देता है, उसकी अभिरुचि, संपन्न तथा सादगी का ज्ञान देता है। क्योंकि एक घर ऐसा होता है, जो एक व्यक्ति दूसरे घर के यहाँ जाएगा तो उसके यहाँ की जो मतलब सजावट हो गई, उसकी जो शैली हो गई, एक घर की बनावट हो गई, ये सब अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अपने घर को साफ सुथरा रखता है, एक सादगी है यहाँ पे, एक शांति है। तो ये सारी चीज़ अगर अभिव्यक्ति की बात की जाए तो वो भी आपको कौन प्रदान कर रहा है, तो एक घर ही पूरा करता है। ओके, नेक्स्ट जो है 7 नंबर आपका है मनोरंजन। तो मनोरंजन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट, तो ये भी एक बहुत अच्छा है आपके, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो घर के। ठीक है, घर की आवश्यकता की बात कर लें तो घर की उचित व्यवस्था होने पर ही मनुष्य क्या करता है, मनोरंजन की व्यवस्था कर पाता है। आप टीवी लगाएंगे, घर रहेगा तभी। किसी भी परिवार के सदस्यों को अपने दिन भर की व्यस्तता के बाद मनोरंजन आराम की आवश्यकता होती है, इसके अभाव में कुंठित एवं नीरस जीवन होता है। प्रतिदिन व्यक्ति को बाहर नाटक, सिनेमा और सैर के लिए जाना संभव नहीं होता है। आवासीय मनोरंजन एवं शारीरिक मानसिक आराम जो है व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक व्यक्ति को, हमने पहले ही आपको बताया, उसको शारीरिक हो या मानसिक हो या मनोरंजन की बात हो, वो घर में ही आके मिलता है। आप बाहर मूवी देख के आओगे नहीं, लेकिन घर में आओगे, 4 लोगों से बातें करोगे, एकदम क्या मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहना बिल्कुल नहीं। ओके, मैं अकेली रहती हूँ इसलिए अपनी फीलिंग को रोक नहीं पा रही हूँ कि घर की आवश्यकता क्या होती है, वो मैं ही समझ पाती हूँ। ओके, तो आवास मनुष्य को सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, जितना सुंदर, सुविधापूर्ण, रुचिपूर्ण आवास होगा उतना ही प्रतिष्ठा बनी रहती है व्यक्ति का। आजकल तो इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग वाले घर बनते हैं कि मज़ा ही आ जाता है देख के। ओके, तो ये भी एक आवश्यकता है आपकी, क्या, तो हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा और लास्ट पॉइंट जो आपका है वो क्या है, रुचि शौक की पूर्ति। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि घर जो होता है, आवास जो होता है, ये रहते हुए भी व्यक्ति अपनी विभिन्न रुचि और शौक की पूर्ति करता है, जैसे बागवानी करना, पुष्प सज्जा करना, घर सजाना, टिकट, सिक्के संग्रह करना, ये सब जो होती है ये सब की पूर्ति हमें एक आवास ही करती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, तो घर की आवश्यकता क्यों होती है, घर का अर्थ एवं यानी हवा जो आवास है उसका अर्थ और मीनिंग भी हमने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। यहाँ पे आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर पूरे जो है विस्तार से डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, यानी इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो होगा आप लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी आप लोग को जल्दी अपलोड मिल जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।